अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ट्वीट में लिखा, हम साझा चिंताओं में एक साथ मिलकर काम करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 राहत प्रयासों, भारत चीन सीमा स्थित और अफगानिस्तान पर भी चर्चा हुई। मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने एक साल से चल रही कोरोना इमरजेंसी को 15 जून को हटाने का फैसला लिया है। बोले, इमरजेंसी हटने के बाद भी जारी रहेगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई। वैक्सीनेशन और पाबंदियों को निभाते हुए बहुत ही जल्द मिल जाएगी पूरी तरह से सफलता। अमेरिकी सरकार ने चीन से सी फूड के आयात पर लगाई है रोक। अमेरिकी फिशर्स से बुरा बर्ताव करने पर अमेरिका ने फैसला लिया। डेलियन ओसियान फिशिंग के 30 चीनी फ्लीट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक। अमेरिका में कोरोना के मामलों में कमी और मेमोरियल डे को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। सड़कों और स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर भी पहले से ज्यादा मुकाबले भीड़ नजर आई। शुक्रवार को 18 लाख से ज्यादा लोगों ने अमेरिकी एयरपोर्ट से यात्रा की है। लंबे हॉलीडे पर निकले हैं 20 लाख अमेरिकी। मलेशिया में लॉकडाउन से पहले सुपरमार्केट्स पर उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना मामलों में भारी बढ़ोतरी के बाद 1 जून से लगाई जा रही है लॉकडाउन। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक नजर से देशव्यापी लॉकडाउन बेहद जरूरी है। ताइवान में कोरोना केस बढ़ने से चरमराई है अस्पतालों की व्यवस्था। स्थानीय प्रशासन ने 19 काउंटियों में संक्रमण में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी दी। 15 से 28 मई के बीच ताइवान में आए रिकॉर्ड 6000 केस, 66 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 35,39,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 15 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग महामारी से ठीक हुए हैं। रूस ने एक साथ 36 इंटरनेट सैटेलाइट के साथ सोयूज रॉकेट को लॉन्च किया है। समुद्र में ग्लोबल इंटरनेट कवरेज को ध्यान में रखकर इन सैटेलाइट्स को ब्रिटेन की कंपनी वनवेव ने तैयार किया है। तकनीकी वजह से 2 दिन पहले इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। इंडोनेशिया के क्रूज में लगी भयानक आग। क्रूज में सवार 200 से ज्यादा लोगों ने समंदर में कूद कर बचाई अपनी जान। घटना में कोई हताहत नहीं है। रेस्क्यू करके समंदर से लोगों को बाहर निकाला गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। अमेरिका में नेशनल मेमोरियल डे कॉन्सर्ट को लेकर उत्साहित दिखे होस्ट। यूएस कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट लॉन में मेमोरियल डे की खास तैयारियां चल रही हैं। कॉन्सर्ट को कोलिन पावेल, ग्लैडिस नाइट, विंसी गिल, जैक्सन देंगे लाइव परफॉर्म।